दोन सामन्यामध्ये जे विजयी संघ ठरलेले आहेत शंभूराजे इलेव्हन विरुद्ध एके अकॅडमी, पंचासनने सामन्याला सुरुवात। बिल्कुल सुरुआत हो रही है। आरंभिक गेंदबाज और रूसी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है पहलर की पहली गेंद लेकर। पहला चेंडू पूर्णच टाकला गेला, इथं मात्र ऑन साइड ला फटका खेळलाय चेंडू, जातो पहिल्या चेंडूवर चार धावा चौकार येतो। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद यहां पर रन बनाने की शुरुआत हो रही है। टोटल स्कोर केवल यहां पर रन संख्या पहुंच रही है चार की योग पर। वेगवान चेंडू टाकायचा प्रयत्न, बिना चेंडू लक्ष्यामध्ये बाहेर जातो, पंचमंडळ दाबांतर दाब असेल वाईटच्या स्वरूपात। एका धाब्याची भर स्कोरबोर्ड मध्ये पडती, वाढती संख्या पडते ती पाच धाबा। ऋषीने मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती, त्याच ऋषीला मात्र इथं पहिलं चेंडू आक्रमण सोडवलं गेलंय, दुसरा चेंडू थोडासा दिशाहीन टाकला गेलाय। व्हाइट बॉलचा इथे इशारा येतोय, नऊ संख्या पाच धाबा चेंडू झालाय फक्त एक। टेकडी गावचे सरपंच तेजस दादा माने साहेबांचं देखील इथे शुभ आगमन झालं, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। आदरणीय अभी भी विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं न्यूमैन प्रताप रोडगे। ये भी बिल्कुल बहुत ही जाने माने क्रिकेटर है प्रताप रोडगे, पप्पू रोडगे के नाम से इन्हें क्रिकेट की दुनिया पहचानती है। प्रताप रोडगे यानी कि पप्पू रोडगे परांडा के रहवासी हैं और खुद एक अच्छे अंपायर भी। अभी भी विकेट जाने के बाद निश्चित ही वहां पर पप्पू रोडगे जाएंगे बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइकी गेंद पे प्रताप रोडगे लंबे रन के साथ रूसी अटक रहा गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए। बीजे गेंद पूर्ण चेंडू चांगला चेंडू टाकला गेला, हलक्या हाथ ने चेंडू पुश किया गया, एक छोटी सिंगल धाव इतनी थी। एक धावे निश्चित संघा वाढ़ती धाव संख्या पोचली थी, तब्बल धावा झाला सहा धावा। राहुल कुलकर्णी प्रथम स्ट्राइक वर सुंदर असा चेंडू, ऋषीचा निर्धाव चेंडू, सुंदर अशी अचूक टप्प्याची गोलंदाजी। एक गेल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं ऋषीला अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलेलं होतं, पुढच्या संघाला 28 धाव संख्येवर रोखलेलं होतं। एक अतिशय उत्कृष्ट असं प्रदर्शन, अतिशय लॉंग असा रनअप आपण पाहतोय। सलामीचा नॉन स्ट्रायकरचा फलंदाज राहुल स्ट्राइक वर सुंदर असा फटका खेळून काढलेला पॉइंट आणि गलीच्या दिशेनं चेंडू जाईल सीमा पार, खणखणीत चौकार राहुल कुलकर्णीच्या बॅट मधून येतोय दमदार चौकार।
शिवराय क्रिकेट संघाकडून खेळणारा हा खेळाडू आज मात्र या ठिकाणी एके अकॅडमीचं प्रतिनिधित्व करत असताना परत एकदा सुंदर असा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे राहुलचा. एक जीवनदान भेटत असताना या ठिकाणी राहुल आपण पाहतो की या एक धावाच्या साथीनं एक षटक पूर्ण, 11 धावा, एक गडी बाद, एक षटक पूर्ण. नए गेंदबाज की तरफ पर गेंदबाजी करने के लिए बलराज शेट्टी तो गोलंदाजीला आपला वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून धावातील दुसरे षटक घेऊन गोलंदाजीला आलाय. टोटल धावा झाल्यात 11 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू टाकला जाईल, बलराज शेट्टी गोलंदाजी करतो हा दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन राहुल कुलकर्णीसाठी. राहुलसाठी हा खराब चेंडू टाकला गेला फुल टॉस, त्याचा पुरेपूर फायदा चेंडू टोलवलाय लॉंग लेगच्या दिशेने. 4 धावा चौकार येतो. बार बिलकुल अभी भी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 की योग पर करेंगे इस बार. ये जोर रफ्तार से गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर आती गेंद ऑनसाइड में गेंद को मारा राहुल कुलकर्णी ने. गेंद आ रही है जब तक फील्डर फील करते हैं. राहुल कुलकर्णी खास कर से जोरकोट के रहवासी है, जय शिवराय क्रिकेट टीम से हमेशा खेलते हैं. एक रन बनने का मौका बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 पे एक विकेट चला जा रहा. और हमारे साथी जो कॉमेंटेटर है पंकज जी पाटिल, उनके साथ क्रिकेट बहुत साल खेल चुके हैं, खेलते हैं अभी भी. पुढचा चेंडू टाकला जाईल, तो रिवर्स मारने की कोशिश में गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जाती गेंद विकेट कीपर के पास चली जा रही है. अभी भी रुका बस स्कोर 16 की ओर पर. दूसरा और चलता हुआ, ये 5 ओवरों का मैच है, 5 षटका का सामना है और धावा झाले तब्बल 16 धावा. जबरदस्त गेंद थी यहाँ पर, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती गेंद बल्लेबाज इस गेंद को खेलना चाहते थे, किस्मत वाले रहे गेंद बल्ले और गेंद का बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ, नतीजा भाग्यशाली रहे बल्लेबाज का. रुका बस स्कोर 16 की ओर पर. बलराज शेट्टी फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर पहराई, लेकिन अब ज्यादा दूर है. ने बताया कि गेंद बैटबॉल है, वहां पर बैटबॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 17 धावा डाला. सुंदर असा फटका या ठिकाणी पप्पूच्या बॅट मधून रिव्हर्स शिपचा फटका पाहायला मिळतोय. एक धाव मिळते, थोडीशी मिस फिल्डिंग, त्याचा पुरेपूर फायदा 2 धावा या ठिकाणी घेत असताना राहुल आणि पप्पू. या दोन धावांनी संघाची भारतीय संख्या पोहोचली ती 19 धावसंख्येवर. एक गडी बाद षटक टाकलं जातं दुसरा आणि दुसऱ्या षटकातील बहुधा एक शॉर्ट रन. तिसऱ्या अंपरकडे दाद मागितले जाईल, तिसऱ्या अंपरकडे दाद मागितले जाईल. कुठल्या यांना सर सर पलीकडच्या यांना बॅटिंग यांना बघायचं.
डिसीजन देना होगा, क्योंकि जब कैमरे ऊपर होते तो वहां पर अगर गेंद ना कलेक्ट की जाती है तो बिल्कुल दो रन दिए जा रहे हैं। दो रन सामने आना शुरुआत, बलराज पुट्टा चेंडू घूम जाता है। ये सुविधा देने के लिए हमें कम से कम और दो चार कैमरे बढ़ाने होंगे, तब जाकर ये सुविधा दे सकते हैं। अगले साल ये कोशिश जरूर होगी, वहां पर चार कैमरे अगर लगाएंगे अगले साल में, दो स्टैंडिंग होंगे, यहाँ के दो स्टैंडिंग होते हैं और बाकी के दो कैमरे ऊपर नीचे लेने के लिए। और यहाँ पर अब ये गेंद डॉट फेंकी जा रही है तो ओवर समाप्त हो रहा है। अभी भी बिल्कुल थोड़ा सा एक रंगीन माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो गाना सुनने के बाद सबको बिल्कुल दिल को सुकून जो मिलता है। सौदागर का ये गाना हमने सुना अभी अभी और लगभग दो षटक संपन्न, धावा दलित 19 धावा। और अगले साल में ड्रोन कैमरा भी यहां पर रखा जाएगा। या स्पर्धे मध्ये काय काय कमतरता है, या वर्षी आपल्याला पहिलं वर्ष असल्यामुळे शिकून घ्यायचं आहे, माहिती करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे पुढच्या वर्षी अतिशय धमाक्याने या स्पर्धेची सुरुवात नक्कीच होणार आहे। जे काही त्रुटी असतील, जे काही कमी असेल, ते नक्कीच थोडी येणाऱ्या पुढच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळणार आहे। या कॅमेरामध्ये, या मैदानामध्ये चारही दिशेला चार कॅमेरे असतील प्लस एक ड्रोन कॅमेरा असेल। प्रत्येक खेळाडूतील संघांना ज्याची काय उणीव भासली, काय चूक असेल तर ते कमिटीकडे कळवायचंय। परत एकदा राहुल सुंदर असा फटका घेतल्यानंतर पाहतोय क्षेत्ररक्षक तितक्याच ताकदीनं आपल्या संघासाठी निश्चित प्रमाणे तीन धाव वाचवण्याचा प्रयत्न नक्कीच केलेला आहे। एक धावापासून रोखू शकणार नाही आपण राहुलला, जे की आताची एक धाव, या एक धावाच्या साथीनं 20 धाव संख्या पोहोचलेली आहे। षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये टाकतोय। इनुमाने सुंदरसा फटका या ठिकाणी, ज्या आत्मविश्वासानं फटका मारायला पाहिजे तो आत्मविश्वासानं या ठिकाणी लागलेला दिसत नाहीये बॅटवर। या ठिकाणी एक धाव भेटत आहे। दिनेश माने पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो आपल्या गोलंदाजी मार्क मध्ये। राहुल साठी सीधा प्रहार निकलता हुआ कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है और जब तक फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों की योग पर 22 रन, ये तीसरा और इस वक्त प्रगति पर रोहित जारी है। बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद डाल गया, जब तक फील्डर फील करते रनआउट का मौका, लेकिन नहीं मारा है थ्रो, सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंच रहा कुल मिलाकर 23 की ऊपर, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। लेग बाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से बताया जा रहा है। या स्पर्धेला मोलाचा सहकार्य आपण स्पर्धेला पाहतो निश्चितच। या ठिकाणी जे बक्षीस दादा त्यांच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी नव्याने कंस्ट्रक्शन तुळजापूर मेडिकल अँड जनरल ड्रोस दरम्यान मारायचा प्रयत्न हेच लागला। चेंडू विकेट किपरच्या मागे, गणेश माने यांनी चांगली कॅच पकडली, फलंदाज होईल बाद। त्यानंतर बट्टे मेडिकल अँड जनरल ड्रोस यांचं देखील मोलाचं सहकार्य आपण स्पर्धेत पाहतोय। ड्रिंक्स ब्रेक मैदानात करायचंय। वट्टे मेडिकल्स त्याचबरोबर आम्हाला या स्पर्धेला मात्र धनवर्षा गोल्ड लोन यांचं देखील सहकार्य मिळत आहे। गौरी मेडिकल यांचं देखील सहकार्य स्पर्धेला मिळत आहे। जाधव पान शॉप यांचं देखील मोलाचं सहकार्य स्पर्धेला लाभताना आपण पाहतोय।
या स्पर्धेच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मान्यवर मंडळींनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्या ज्यांनी 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 सहकार्य इच्छिन शिल्लक आहे, ज्यांनी ज्यांनी कळत न कळत या स्पर्धेला आम्हाला बोलायचं जे सहकार्य केलं त्या सर्वांचं मी ऋणी असेल. कारण तुमच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा अपुरी असेल, कारण खूप खूप धन्यवाद असेल. आता मात्र गोलंदाजीला नवीन फलंदाजीला नवीन फलंदाज देतोय आणि गोलंदाजीला या षटकातील बहुधा गोलंदाजचा शेवटचा चेंडू असावा. स्वतः कर्णधार प्रशांत कुलकर्णी येतोय बॅटिंग साठी. परत एकदा किनमान प्रशांतला पहिला चेंडू, अतिशय सूर्यकासा चेंडू. या ठिकाणी ड्रिंक ब्रेक डीजे सौदागर सिनेमा आपण पाहिला असेल. सौदागर सिनेमा मधील इलो इलो गाणं विवेक भुसरण आणि मनीषा कोयराल. मात्र विवेक भुसरण यांनी चांगला डान्स केला. तर धावसंख्या इथे पोहोचली ती तब्बल नवीन गोलंदाज आलाय फलंदाजी गोलंदाजीसाठी. मला वाटतं प्रणव बरकुलला गोलंदाजीला बोलवलं गेलंय. प्रणव इथे वैयक्तिक महिला आणि संघाकडून डाबा खेळ 14 षटक घेऊन गोलंदाजीला आलाय. तेवीस धाबा झालाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोटली 23 धाबा.
या ठिकाणी 15 रन आणि 9 बॉल. फ्री हिट, पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल. 24 धावा, 2 गडी बाद. षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. जे की हा 5 षटकाचा सामना. फ्री हिटचा या ठिकाणी फायदा म्हणावं तसा घेतला नाही या फलंदाजाने. एक धाव निश्चितप्रमाणे भेटते एक बाईच्या रूपाने. लेगबाज धाबेसह संघाची भारतीय धावसंख्या इथं पंकज पाटील सर तुडल धावा दलात 25 धाबा. इथं आपण स्कोरबोर्डवर पाहतो धावसंख्या पोहोचली ती 25 धाबा. यानंतर 2 पराभूत संघामध्ये सामने होणार आहेत. यानंतरचा सामना असेल एसके वॉरियर्स विरुद्ध साहिल एंटरप्राइजेस. यानंतर पुढचा सामना असेल. या सामना संपल्यानंतर म्हणजे या डावातील 5 षटक संपल्यानंतर पुढच्या मॅचचा टॉस इथे केला जाईल. पुढील मॅचचा टॉस होईल. संख्या 25 झाली आहे. 24 रन, 14 षटक टाकलं जातं. 14 षटकातील पुढचं चिन्ह घेऊन गोलंदाजी करतोय बरोबर गोल. फलंदाज त्रिपाळा चित. या ठिकाणी प्रशांत कुलकर्णीचा एसटी उद्ध्वस्त झालाय. फलंदाज होतोय बाद. अभी एक विकेट जाने के बाद निश्चित ही वहां पर प्रणव बरगुल फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है. जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए न्यू मैन होंगे वहां पर बैटिंग करने के लिए. अनिकेत कृष्णा चौधरी नवीन फलंदाज. खुलता पुढचा चेंडू कृष्णा चौधरी साठी सूर्यरेखाचा फटका पाहायला मिळतोय. ऋषी धावतो चेंडूवर. एक धाव मिळते. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंच रहा है 26 की योग पर. 26 धावा डाला है. चार गेंद इस बार बैकफुट पर चले गए खूबसूरती के साथ माना जाता हुआ. डीप पॉइंट क्षेत्र में गेंद निकलेगी. चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 30 की योग पर. या षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 5 षटकाचा सामना. यानंतर आणखीन एक षटक शिल्लक आहे. धावा झालेले आहेत 33. 3 गडी बाद. शेवटचा चेंडू शिल्लक 14 षटकातील. बिलकुल बॉलर के पीछे गेंद चली जा रही है. सत्यजीत भोसले गेंद के नीचे आ रहे हैं. फिर सिंगल बनेगा. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त 3rd अंपायर की ओर दाद मांगी जा रही है. 3rd अंपायर की ओर दाद मांगी जा रही है. थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग.
पहुंच गए वहां पर अपने क्रीज में, अपने घरते में पहुंच गए खिलाड़ी, और बीच सिंगल रन के साथ आगे बढ़ता बस स्कोर टोटल स्कोर इस वक्त 31 रन, 4 ओवरों का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही कॅप्टन्सला विनंती असेल, साहिल एंटरप्राइज संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर एस के वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन दोघांना विनंती असेल आपण लवकरात लवकर इथं कॉमेंट्री बॉक्स यायचं टॉस करण्यासाठी। जब तक फील्डर फील करते हैं एक रन तो बनेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 32 की ओर पर। नए गेंदबाज विशाल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। महाराज बार विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है, बैट से गेंद कनेक्ट हो गई वहां पर। ये 4 रन आएंगे वहां पर और ये पहले बाउंसर की भी गेंदबाज को वार्निंग दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है वहां पर। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ कुल स्कोर 36 पे 3 विकेट चले जा रहे हैं। उसी दिशा में नतीजा वही आएगा और एक बैक टू बैक निकलता हुआ चौका आ रहा है और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ कुल स्कोर 40 की ओर पर। ये 5 ओवर चलता हुआ स्कोर है 40 रन। शेवटचा षटक आहे, आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळते, जे की शिल्लक चेंडू आहेत ते 3 पहिल्या डावातले 3 चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत। जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न असेल या ठिकाणी। एकदा पुढचा चेंडू सलग दोन चौकार आणि आता मात्र येतोय षटकार, खणखणीत दमदार षटकार येतोय। अतिशय महत्वपूर्ण षटक येत असताना आपण पाहतोय कृष्णा चौधरीच्या बॅट मधून अतिशय चांगल्या धावा येतात, जे की शेवटचं षटक आहे, शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत, एक चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या डावातला, जे की या षटकामध्ये चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली आहे। आतापर्यंत 15 धावा खेचलेल्या आहेत या षटकामध्ये, जे की या षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे। पहिला डाव संपल्यानंतर दोन्ही संघ तयार राहायचे टॉस बॉक्स कडे। उलटा चेंडू होता, स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी, एक धाव मिळते निश्चितच दुसऱ्या धावेसाठी बाद होईल फलंदाज, आणि एक धाव या एक धाव साथीनं संघाची धाव संख्या होती ती 47 धावा, 48 धाव संख्येचं आव्हान डीजे षटकामध्ये।
एसके वॉरियर्स आणि साहिल इलेवन या संघाच्या दोन्ही कर्णधारांनी टॉस बॉक्स पशी यायचं आहे. त्यानंतर होणारा सामना साहिल इलेवन वर्सेस एसके इलेवन. आणि फलंदाज मैदानात जात असताना ऋषी आणि प्रणव बारकुल सरपंच टॉस करत या संघात होणारा पुढचा सामना साहिल इलेवन वर्सेस एसके इलेवन. ऋषी गोलंदाजी दुरा संभावतो पहिलं षटक घेऊन प्रशांत कुलकर्णी जीत के लिए जो टारगेट है बिल्कुल 48 रन का जो टारगेट दिया था टारगेट का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी पहली गेंदी शॉर्ट गेंदी इस बार बैकफुट पर चले गए खूबसूरती के साथ कवर रहा निकलता हुआ गेंद आ रही डीप कवर बाउंड्री के बाहर जाती गेंद चार रन आते ही पहली गेंद पर पहला करारा स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी चार रन के साथ खाता खुला बल्लेबाज का और टीम का. सामने बनाने पे खोल तो पारस करने चाहते आमचे मित्र ढिकरी गावाचे सरपंच तेजस माने व पारस कंदे दोघांच्या हस्ते पुढच्या सामन्याचा नाणेफेक. दिग्रा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए प्रशांत कुलकर्णी गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद को खेला जा रहा कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है जब तक कि फील्डर फील करते एक रन तो बनेगा. एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 5 की योग पर. इस बार जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच लगाना चाहते थे कवर क्षेत्र में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है विकेट कीपर के पास चली जा रही है. अभी भी रुका स्कोर यहां पर टोटल स्कोर केवल 5 की ओक पर. तो मैं कैमरामैन रमेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर टॉस जो हो रहा है टॉस थोड़ा सा कवर कर लीजिए. इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद को मारा जाता था गेंद बॉलर के पीछे चली जा रही है खिलाड़ी है गेंद के नीचे लेकिन तब तक फील्डर फील करते हैं दो रन तो जरूर आएंगे और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा केवल 7 की ओक पर. तो
तो साहिल एंटरप्राइजेस ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद अब कुछ पता नहीं है। बड़ा अच्छा मिडल फील्डर के ऊपर से गेंद को मारा जाता है, लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करेगी गेंद बॉर्डर के बाहर, चार रन। अकरा धावा डाले, रविवीर का बस कोई ग्यारह की योग पर देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे। टॉस गेंद इस बार गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा जाता है, फिर भी गेंद बाउंड्री की दिशा में गेंद डाल गए, पहले टप्पे पर निकलती गेंद, ये ताकतवर स्ट्रोक निकलता बा, सीधे बैट से सीधा धमाकेदार प्रहार निकलता बा और ये चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा पंद्रह की योग पर। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर है 15 रन, पहला षटक के समाप्ति रन पर बहुसंख्यक बनने के लिए 15 धावा। रविवीर का बस स्कोर यहां पर नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, बहुत अच्छी गेंद इस बार गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद, सोमा बंदर है गेंदबाजी करने के लिए, इस बार सोमा बंदर की गिनती बिल्कुल ऑप्शन के बाहर आती गेंद, बिग हिट लगाना चाहते थे प्रणव बरगुल, बिल्कुल यरमा के नामचीन क्रिकेटर मिस्टर प्रणव बरगुल इस वक्त बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पे। आदित्य कृपया अपन कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। चढ़ गए बैक पर पहुंचा लगे, जोर से मारा जा रहा है लेकिन स्ट्रोक काफी बढ़िया था कि आपको नहीं ढूंढ पाए, जिस जगह पे फील्डर को रखा जा रहा है उसी जगह पे गेंद आ रही है, तो स्ट्रोक में कोई कमी नहीं, कमी जो महसूस हुई कि आपको नहीं ढूंढ पाए। उदय स्पर्धेमध्ये झुंपड या चित्रपटातील सने कलावंत प्रमुख पाहुणे म्हणून इथं उपस्थित राहणार, दरम्यान मारायचा प्रयत्न, बॅटची कट लागली, चेंडू जातो विकेट किपरच्या मागे, दरम्यान सीमारेषा पार करेल चेंडू, चार धावा येतील, चार धावांची भारतीय धावसंख्या 20 धावा। झुंपड या चित्रपटातील सिने कलामंत इथं प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, तर आपण फायनलसाठी आदित्य राजे मराठे बैलगाडी शर्यत आणि झुंपड फिल्म अभिनेते त्याचबरोबर सैराट या चित्रपटातील अत्यंत गाजलेली भूमिका साकारणारे सूरज पवार म्हणजे प्रिन्सची भूमिका साकारणारे फाउंड्री चित्रपटाला त्यांनी देखील काम केलंय, ते देखील असतील आणि ऐश्वर्या दौंड आणि काजल शिंदे अशा दोन अभिनेत्री देखील इथे येतील, त्यांचे देखील सिनेमा आहेत बैलगाडी झुंपड झुंपड फेम। गेंद को मारा जाता है, गेंद बॉलर के पीछे गेंद चली जा रही है, लॉन्ग ऑफ सी मारे का पार करेगी गेंद, चार रन, और इसी चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 24/24 की योग पर। दो गेंदेश्वर की बची है, वो बहुत जबरदस्त जोर से हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जाती गेंद विकेट कीपर के पास चली जा रही है, रुका पास स्कोर 24 की योग पर, इनिंग का ये दूसरा और इस वक्त जारी है चल रहा है। शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को कट करने की कोशिश भी, गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के पास और ये बॉलर बीच में आ गए, इसलिए बिल्कुल ये बॉल बॉल है या नहीं जानकारी वहां पर दी जाएगी अंपायर की ओर, तीसरा ये तीसरे अंपायर की ओर दांत मांगी जा रही है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये गेंद वाइड बॉल है या नहीं। चलिए फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी है, ओवर समाप्त हो चुका है, जहां तक ओवर की बात करना चाहेंगे लगभग दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन, यहां से मैच जीतने के लिए आधा काम बिल्कुल दो ओवर में हो चुका है, आधा काम तीन ओवर में करना है, इसका मतलब 18 गेंदों में 24 चाहिए।
साहिल एंटरप्राइजेस क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम बॅटिंग स्वीकारली आहे. त्याला नवीन षटक घेऊन गोलंदाजीला आलाय. अनिकेत पवार येतोय गोलंदाजीला आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून गावातील तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीला आलाय. अनिकेत पवार को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा. यानंतर जो सामना होईल आजच्या दिवसातील पाचवी लढत, त्यानंतर चौथी लढत, माफ करणार, पुढची लढत ही चौथी असेल. साहिल एंटरप्राइजेस विरुद्ध एसके वॉरियर्स क्रिकेट संघ या सामन्यानंतर पाचवी लढत असेल. या सामन्यातील पराभूत संघ आणि चौथ्या सामन्यातील विजयी संघ ही पाचवी लढत असेल. शेवटची लढत पाचव्या सामन्यातील विजयी संघ विरुद्ध मला वाटतं या सामन्यातील विजयी संघ ही लढत शेवटची असेल. ऑप्शन के बाहर चला गया है, फ्री हिट लगाई वहां पर, बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन ड्राइव गेंदार के छह रन. छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 30 की योग पर 20 धावा डाला है. पुनः या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. दरम्यान गोलंदाजीला सज्ज असतील. अनिकेत पवारचा चेंडू सामना करेल प्रणव. प्रणवने एका षटकाने आता समीकरण बदलतर आपण पाहतो 17 चेंडू आणि बरबायचे तब्बल 18 धावा. सुंदर असा चेंडू बॅटची फेस ओपन केली आहे. इथं मात्र चेंडू जातो थर्डमॅनच्या दिशेने. एक धाव पाहूया. पाहता पाहता चेंडू सीमारेषा पार करतो. चार धावा चौकार येतोय. या चार धावानिशी संघाची भारतीय धाव संख्या पोहोचली आहे. चार धावानिशी चौथी धावा. जो काम ताकत से नहीं हो सकता है, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ. ये बिल्कुल बल्लेबाज की तारीफ करने की वहां पर प्रणव की. ओ ये तो बड़ा स्ट्रोक है. इसे कहते डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक और घुटना टेक और सटकार देख. स्ट्रोक निकला था बिल्कुल कृष्णा सातपुते जिन्हें गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट कहा जाता है उनकी याद दर्शाने वाला ये स्ट्रोक निकलता हुआ. गेंदबाज को लगा धक्का क्योंकि बल्लेबाज ने उड़ाया आसमानी छक्का. अभी भी रुका बस कुछ 40 रन जीतने के लिए केवल 8 चाहिए. वक्त 8 धावा इतना बनवाई चाहिए. चेंडूच्या जवळ गेला. चेंडू पुश केला गेला. चेंडू जातो कव्हरच्या दिशेने. सिंगल धाव निश्चित देते. एका धावेनिशी संघाची भारतीय धाव संख्या पोहोच देते 41 धावा. 41 रन. सचिन सर, हो सचिन सर, कळून के आपल्याला शोभत नाही असं पडद्यावर काढी शोभत नाही आपण खेळाडू. इनको मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है. 4 रन आएंगे और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 की ओर पर. अब मैच जीतने के लिए केवल 3 कदम दूर और आखिरी गेंद इस ओवर की. सेव अच्छा. लेग वाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से बताया जा रहा है और लेग वाइज के 4 मिलेंगे. 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 45 की ओर पर. अब मैच जीतने के लिए 13 चेंडू आणि फक्त 3 धावा बनवायचे आहेत. 3 रन की जरूरत आहे. नहर की शुरुआत करने के लिए शायद प्रशांत कुलकर्णी वहां पर फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं. प्रशांत कुलकर्णी मला वाटतं स्वतः येथील गोलंदाजीला आपलं वैयक्तिक प्रशांत देतोय का पाहूया. दुसऱ्या कोणाला गोलंदाजाला बोलवलं जाईल इथं.
मला वाटतं पुन्हा प्रशांतच्या हाती चेंडू आलाय. प्रशांत वैयक्तिक या षटकातील वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून डावातील 14 षटक घेऊन गोलंदाजीला आलाय. बोलेंगे इस बार फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस विधि गेंद. ओ महाराज बार मैच खत्म, मैच को यहां पर खत्म कर लिया. बॉल जैसे बॉल पंचांगडे टाका. जरा प्रेक्षक विनंती असेल पंचांगडे बॉल टाकून सहकार्य करायचे. चला यानंतर मला वाटतं एसके बारी संघाला विनंती की फिल्डिंग लावून घ्यायची. या सामन्यातील सामनावीर पुन्हा ठरतोय